प्रस्तुत प्रार्थना जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है परमार्थी संगीत सागर पर, ये उस समय की है जब भगवान विष्णु से लोक कल्याण हेतु रावण वध के लिए प्रार्थना करते हुए वो प्रार्थना की गई है। सुनिए वो किस तरह से है। त्वान्योष्यामहे विष्णु हितकाम्या तन्त्रत्वमानुषो भूत्वा प्रभृद्लोककण्टकम् अवदेवते विष्णो समरे गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी का वास्तविक स्वरूप और उस राम शब्द का वास्तविक अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि हो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुने मुनि मन भ्रम होई। ये भगवान शिव के वचन हैं। जब माता पार्वती को संदेह होता है कि जो पार ब्रह्म सर्वज्ञ है उसका कोई स्वरूप कैसे हो सकता है, तो शिव जी कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हु तो किन जाई परीक्षा ले हु। हे पार्वती, अगर तुम्हारे मन में ऐसा संदेह है तो तुम सब वे जाकर राम जी की परीक्षा ले लो। तो जब माता सती वहां पर जाती हैं, तो वो क्या देखती हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी इसका बहुत मार्मिक जो है इस प्रकार से उनका स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। हो जय चित वही तहे प्रभ आसीना से वही सिद्ध मुनीस प्रवीना देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरत करत प्रभ सेवा विविध वेश देखे सब देवा। अर्थात माता सती जी देखती हैं कि अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु और अनेक देवता जी वहां पर राम जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अनेकों राम जी माता पार्वती को दिखाई दे रहे थे। वो क्या देखती हैं कि एक से बढ़कर एक देवता राम प्रभु की आराधना कर रहा है। वास्तव में राम की माया के कारण उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए कबीर साहब ने भी राम शब्द के विभिन्न प्रचलित अर्थों का इस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया है कि जग में चारों राम है तीन राम व्यवहार चौथा राम निज सार है ताका करो विचार एक राम दशरथ घर डोले
एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा। एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। संतों का राम से अभिप्राय निर्गुण निराकार है। कुछ लोग उसको घट घट में बसा राम कहते हैं, तो कुछ लोग उसे समस्त सृष्टि के पसारा और चलाने वाला ब्रह्म को राम कहते हैं। ब्रह्म यहाँ ब्रह्मा जी को नहीं पार ब्रह्म को कहा गया है। अंतिम पंक्तियों को दोहे में संवादित करते हुए इस बात को समझिए कि राम कृष्ण हरे वाहे गुरु, हरि हर एक जगह है। पर वो प्रगट कैसे होता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगटै होइ न जाना। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनी देखी तै।